काल में प्रभु की सामग्री में और प्रभु के आसपास गुलाब जल से छिड़काव किया जाता है। वह गुलाब जल आप घर में कैसे सिद्ध करें उसकी रीत जानें। गुलाब जल बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है वह जानें। चैत्री गुलाब की पत्ती जो इस तरह से अलग करनी है। और उस पत्ती को अलग एक बर्तन में निकाल लें। कांच की बरनी जिसमें आपको गुलाब जल बनाना है, ऐसी जाली वाला कपड़ा जो साग भाजी के लिए। गुलाब जल बनने के बाद किस बरनी में भरना है वो चलनी, एक डोरी और कैंची, मलमल का कपड़ा। सबसे पहले जाली में गुलाब की पत्तियों को भरें। इस तरह से दबा दबा कर भरनी है। अब उसको इस कांच की बरनी में रखें। कांच की बरनी में रखने के बाद और गुलाब की पत्तियां भरें। नीचे कितनी खाली जगह छोड़ दें और ऊपर डोरी से फिट बांध दें। और ढक्कन बंद कर दें। ढक्कन बस। इस तरह से आपको सुबह बरनी धूप में रखनी है और शाम को देखना है तो गर्मी की भाप के द्वारा नीचे गुलाब जल आ जाएगा। ये बरनी कल धूप में रखी थी और आप देख सकते हैं इसमें गुलाब जल आ गया है। अब इस गुलाब जल को आपने ली थी जो बरनी उसमें भरना है। आपके गुलाब जल बनने के बाद सूख जाएंगे और इस तरह से हो जाएंगे। और पत्ती खुली कर दो और 3-4 दिन तक इसमें से आप गुलाब जल पा सकेंगे और प्रभु की सामग्री में अंगीकार करा सकेंगे। गुलाब जल की बरनी आपकी पूरी भर जाए
फिर आपको मलमल के कपड़े से उसे छानना है, क्योंकि उसका कचरा जो नीचे जमा होगा वो निकल जाएगा। सेवा खुद के हाथों से सिद्ध करके की जाए तभी प्रभु स्वीकार करते हैं। और इसी तरह से आप शुद्ध गुलाब जल, जिसमें कोई केमिकल या आर्टिफिशियल सुगंध नहीं है, वह सामग्री में या छिटकाव के लिए उपयोग में ले सकते हैं, जो बिना मेहनत के कम समय में बन जाता है।